वेलकम टू होममेड रेसिपी। आज बनाएंगे हम मीठे गुलगुले। इसमें इंग्रेडिएंट बहुत ही कम डालते हैं और 2 बाउल हम लेंगे गेहूं के आटे की और 1 बाउल लेंगे शक्कर की और सौंफ लेंगे 2 स्पून। 1 बड़ा बाउल लेंगे और उसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे पहले और फिर उसमें हम 2 बाउल ली है गेहूं के आटे की, 2 बाउल डालकर और उसमें हम ऐड करेंगे शक्कर। इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। शक्कर डालने के बाद हम सौंफ डालेंगे। सौंफ डालने के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें 2 बाउल ही पानी की लगेगी। अब हमारा बैटर रेडी हो गया है और हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। और अब हम 1 बड़ा पैन लेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारा तेल अच्छी तरह पक जाए और उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और थोड़ा थोड़ा कर हम बैटर को इसमें डालेंगे। जब एक साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और दूसरी साइड को से पलट देंगे इनको। अब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो गए और अब हम इनको निकाल लेंगे। मीठे गुलगुले बनकर रेडी हो गए हैं और बाकी का जो बैटर बचा हुआ है हम उनको भी ऐसे ही बना लेंगे। गुलगुले सभी बनकर रेडी हो गए हैं और अब हम इनको सर्व करेंगे टी के साथ। आप इसको चाय के साथ, दूध के साथ या कॉफ़ी के साथ भी ले सकते हैं और ये रेनी डे में बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।